हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पटवार इन्वेस्टमेंट। तो आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के दूसरे पॉइंट के बारे में। ये मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो आप यहाँ पर आके मैक्स लॉस पर डे की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए पहले मेरे डीमैट अकाउंट में चलते हैं, मेरे आज के प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। आज का प्रॉफिट है मेरा 4230 का। तो मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ कैसे हुआ क्या हुआ। बैंक निफ्टी आज यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनाया है 13:05 पर, और फिर साथ ही इंडिसीजन कैंडल बनाई है। अगर आपको इन कैंडल्स का नहीं पता तो मैंने इनकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर रखी है, वहाँ जाके इनकी वीडियो देख सकते हैं। तो यही सेम कैंडल हमारी 34600 सी में बनी थी, तो यहाँ पर मैंने इनको बाई किया और अच्छा मुझे आज प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो आइए अब हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं, जो कि है हमारी ट्रिपल आर। तो गाइस, ट्रिपल आर से का मतलब है हमारा रिस्क रेशो पर ट्रेड, ठीक है। रिस्क रेशो रिवॉर्ड, कि हमें पर ट्रेड में कितना रिस्क लेना है और उसके लिए कितना हमें प्रॉफिट अर्न करना है। तो रिस्क रेशो रिवॉर्ड रहेगा आपका 1:2, ठीक है। तो अब हम आपने इसको ट्रेड कैसे करना है, तो कल की मैंने इस वीडियो में आपको बताया था कि मैक्सिमम लॉस के साथ ही मैंने आपको बताया कि दिन के 3 ट्रेड करने हैं आपको सिर्फ, ठीक है। मान लीजिए आपने दिन के 3 ट्रेड करते हैं, आपका पहला एसएल हिट हो गया। जैसे मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा मैक्स टू मैक्स 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है। मान लीजिए मेरे पहली ट्रेड में 20 पॉइंट का एसएल हिट हो गया, ठीक है। फिर मैंने दूसरी ट्रेड ली, फिर मेरा दूसरी में भी 20 पॉइंट का एसएल हिट हो गया, तो मेरे हो गए टोटल 40 पॉइंट्स, ठीक है। और मैं अगर थर्ड ट्रेड करता हूँ और उसमें अगर मेरा रिस्क रेशो रिवॉर्ड के हिसाब से मुझे प्रॉफिट होता है, तो मुझे 40 पॉइंट अर्न हो जाएंगे, तो मेरा जो प्रीवियस ट्रेड के 2 लॉसेज होंगे वो मेरे रिकवर हो जाएंगे और आज का मेरा दिन नो प्रॉफिट नो लॉस में क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अगर उसी तरह हम देखें, अगर पहली ट्रेड में ही प्रॉफिट हो गया हमें 40 पॉइंट का, तो उसके बाद हम दूसरी ट्रेड लेंगे हाफ क्वांटिटी के साथ। मान लो कि मैं पहली ट्रेड में 100 क्वांटिटी लेता हूँ, तो दूसरे में मैं 25 या 85 क्वांटिटी लूँगा, उसमें हम मेरा अगर प्रॉफिट होता है तो मैं तीसरी ट्रेड लूँगा। अगर मेरा सेकंड में लॉस हो जाता है तो भी मैं प्रॉफिटेबल रहूँगा और मैं थर्ड ट्रेड ना लेते हुए आज का पीसी यहीं ऑफ कर दूँगा, ठीक है गाइज। तो आपको मेन है रिस्क रेशो रिवॉर्ड, इसको मिनिमम आपको 1:2 रखना है। और अगर आप बायर्स हैं तो मैं शॉर्ट सेलर का बता रहा हूँ, आपको 1:2 मिनिमम होना चाहिए। अगर आप बायर्स हैं तो आपका कम से कम 1:3 होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बिना रिस्क रेशो रिवॉर्ड के ट्रेड मत करिए, ठीक है। और साथ के साथ स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है, तो स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करिए। थैंक यू सो मच।